आज मैं आप सभी के साथ एक आसान और जल्दी से बनने वाले डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप व्रत के दिनों के अलावा नॉर्मल दिनों में भी बना सकते हैं, क्योंकि अब सब त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं और अब सभी त्यौहार लगातार आते चले जाएंगे। उसी के लिए मैं आपके साथ में ये डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे आप इसको सभी को बना के खिला सकते हैं। और ये फ्रूट क्रीम घर में आपके बच्चों से लेकर बड़े सभी को बेहद पसंद आएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपकी भी ये एकदम बढ़िया बनेगी। नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से इस फ्रूट क्रीम को बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ है इसके लिए फ्रेश क्रीम। तो मैंने ये ली है 750 ग्राम फ्रेश क्रीम। फ्रूट क्रीम को बनाने से पहले एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जो हमने क्रीम ली है ना, ये ठंडी होनी चाहिए। नॉर्मल लेंगे ना तो हमें उसको फेंटने में बहुत समय लगेगा, तो इसको फ्रिज में रख के पहले हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से इसे विस्कर से विस्क करेंगे। आप चाहें तो इसे मतलब आप नॉर्मल स्पून से भी फेंट सकते हैं, उससे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। और अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हम आइसक्रीम के लिए फेंटते हैं, हमको क्रीम को इतना ज़्यादा नहीं फेंटना है, क्योंकि हमें इतना गाढ़ा नहीं करना है उसको। तो देखिए अब ये लिए मैंने एक कप पाउडर शुगर। चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद में लिया है, जिससे ये जो क्रीम के अंदर में अच्छी तरीके से मेल्ट होगा। तो चीनी को हमें पीस के ही डालना है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही 3 से 4 मिनट के लिए इसे और अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, जिससे ये दोनों चीज़ें जो है ना बिल्कुल एक सार हो जाएंगी। बनाने में इसको मुश्किल से मतलब 10 मिनट लगते हैं फ्रूट काटने के साथ में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, दोनों चीज़ें मिक्स होके एक जैसी हो गई है। अब ये जो क्रीम है ना हमारी, फ्रूट्स डालने के लिए तैयार है। तो देखिए मैंने इसके लिए ये लिए हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद से कोई से भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से काट के रखा है, ये ग्रेप्स को काट के रखा है, और ये एप्पल को भी, एक एप्पल को काट लिया है, इसका छिलका नहीं हटाया है, और 2 से 3 बनाना को भी छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम ये कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए काजू को मैंने काट के इस तरीके से तैयार किया है, किशमिश ले लिए हैं 20-25, और ये पिस्ते भी 8 से 10 बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए क्रीम हमारी कितनी बढ़िया हो गई है ना, तो ये ज़्यादा गाढ़ी है और ना पतली है। अब इसमें से विस्कर को हटा देंगे, अब इसमें फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। जो पसंद है आपको फ्रूट्स, आप इसमें वो डाल सकते हैं और कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़े थोड़े से फ्रूट्स मैं इसमें रहने दे रही हूँ ऊपर गार्निशिंग के लिए, और बाकी को ऐड कर दिया है। साथ ही ये ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे। देखिए ये काजुओं को डाल देंगे, किशमिश को ऐड करेंगे, और थोड़े से ये इसमें से पिस्ते डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, कोई भी इसमें एसेंस भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अपने आप में ही जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। आप देखिए कितनी बढ़िया फ्रूट क्रीम जो है ना, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। अब इसमें से इस स्पून को भी निकाल देंगे और थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे स्ट्रॉबेरी से, जो भी फ्रूट्स हैं हमारे और ड्राई फ्रूट है उन सब से थोड़ा सा गार्निश करेंगे, जिससे देखने में लुक जो है ना और भी अच्छा आएगा। और फिर इसके बाद में इसको हमें ठंडा होने देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसे मतलब एकदम फ्रीज करके जमाना नहीं है, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए ठंडे होने के बाद में इसे ठंडी ठंडी फ्रूट क्रीम को हम सर्व करेंगे। ठंडी ठंडी खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है ये। तो लीजिए हमारी ये फ्रूट क्रीम रेडी हो गई है। 10 मिनट लगे हैं मुश्किल से बनाने में, और कितना बढ़िया डेजर्ट घर में तैयार हो गया है। ये आपको ज़्यादातर शादियों में पार्टियों में मिलती है, लेकिन घर में बनाना देखिए आप उससे भी ज़्यादा आसान है। तो आप इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, जल्दी से इसे बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आसान से डेजर्ट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।